हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम और ईआरपी 9 की है। तो अभी हम क्या समझेंगे, देखिए एक व्यूअर है हमारे जिनका क्वेश्चन ये है कि सर जब हम टैक्स लगा रहे हैं तो उस वक्त टैक्स शो नहीं कर रहा है पूरा पूरा, तो टैक्स शो क्यों नहीं करता है। देखिए या तो आप टैली ईआरपी 9 यूज कर रहे होंगे और उसका कोई पुराना वर्जन आपके पास होगा, ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये टैली ईआरपी 9 है, ये अपग्रेडेड वर्जन है, ये पुराना वर्जन नहीं है। इसमें जीएसटी अप्लाई हो सकता है, लेकिन 6.1, 6.2 इस तरह के वर्जन आपके पास टैली ईआरपी 9 के हैं तो उसमें जीएसटी अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर कोई इससे पुराना वर्जन होगा तो फिर अप्लाई नहीं हो सकेगा। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, फिर बता रहा हूं, ठीक है। अब जैसे देखिए मेरा जो है 6.3 है, यहाँ पे देखिए सीरीज ए रिलीज 6.3 देख रहे हैं। अब इसमें जीएसटी अप्लाई हो जाएगा, लेकिन यही बात करें पुराने वर्जन की तो उसमें नहीं होगा। और यहाँ पे ये प्राइम भी है तो प्राइम में भी अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी अप्लाई नहीं हो पाता है, तो क्यों नहीं हो पाता है वो दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप कुछ परचेस करने जा रहे हैं, ठीक है, या सेल करने जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या करता हूँ, जीएसटी जो लगाते हैं वो क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ से परचेज में चलते हैं, परचेज वाउचर में, तो ये आ गया, यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर आएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर कैश ही रख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। आप चाहे तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर लेके आ सकते हैं और यहाँ पे रेगुलर रख के आगे बढ़ेंगे, जीएसटी आई एन नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, परचेज का लेजर आएगा, तो यहाँ परचेज का लेजर बना लीजिएगा, परचेज अकाउंट कर दीजिएगा और इसे अंडर परचेज अकाउंट के ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। ये देखिए ये परचेज अकाउंट का ग्रुप है, इसी के अंदर इसको रखना है, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम डालना है, जैसे मान लीजिए हम कर देते हैं राइस, RIC राइस कर दिया। अब यहाँ पे इसका स्टॉक मतलब अगर कैटेगरी बनाना चाहे तो कैटेगरी बना सकते हैं, फिलहाल यूनिट बनाते हैं हम, यूनिट यहाँ पे, तो यहाँ पे हम केजी कर देंगे सिंबल में और यहाँ इसका नाम कर देंगे किलोग्राम, तो ये हो गया किलोग्राम। एंटर करेंगे, यहाँ पे केजी करेंगे, के प्रेस करेंगे तो ये किलोग्राम आ जाएगा और यहाँ 3 कर देंगे और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड रेट सेट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, फिलहाल हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर टैक्स रेट सेट करेंगे हम अलग से, तो यहाँ वाई प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही टैक्सेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये टैक्सेस क्यों दो ही आ रहे हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी क्यों नहीं नजर आ रहा है, इसके पीछे रीजन ये है कि हमने उसको एक्टिवेट ही नहीं किया, इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो F12 जब प्रेस करेंगे ना तो यहाँ नीचे आ जाएगा, कॉन्फिग्रेशन की विंडो आ जाएगी और नीचे आ जाएगा सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, तो हमें यहाँ पे इसको यस कर देना है, बस यही कमी थी, इसीलिए नजर नहीं आ रहा था, अब नजर आएगा, ठीक है, देख सकते हैं ना यार है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको टैक्सेबल रख देना, टैक्सेबल रख के एंटर करना है, यहाँ पे 18% जितना भी लगाना है यहाँ पे लगा दीजिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, ये करा लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे अब कीमत रख देनी है, क्वांटिटी रखनी है, तो 50 किलो रख देते हैं और 1 किलो की कीमत यहाँ पे रख देते हैं 35 रुपए, तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जीएसटी के लेजर्स आएंगे, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लग रहा है, लगेगा इस पे, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है तो सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगाएंगे, जहां की कंपनी है वही का हमारा क्रेडिटर पार्टी है या डेटर पार्टी है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है, अदरवाइज आईजीएसटी लगाएंगे, ठीक है। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखेंगे, ये तो जीएसटी ही है, सेंट्रल टैक्स ही है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर दीजिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी भी आ गया, लेकिन सीजीएसटी के साथ हम एसजीएसटी भी लगाते हैं, एसजीएसटी भी लगा देते हैं, यहाँ पे आए एसजीएसटी पे आए और ये जाएगा किसमें, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ये जीएसटी ही है, इस बार एसजीएसटी करेंगे, पहले सीजीएसटी किया था, अब ये एसजीएसटी करके यहाँ पे आके और नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो देखिए दोनों ही आ गए, देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करा लिया। आप यही चीज अगर आपको सेल करनी है तो सेल्स वाउचर में जाना होगा, तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए क्या करेंगे, यहां से प्रेस करेंगे F8 प्रेस करते ही हम आ जाएंगे सेल्स वाउचर में, यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, तो आप डेटर पार्टी का लेजर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं कैश कर देता हूं, एंटर करता हूं और एंटर करते हुए यहां पर आ जाते हैं और यहां पर इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो अगर देखिए ये जो है ना स्टेट हमने यहां उत्तर प्रदेश दे दिया, अगर लेकिन मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश नहीं देते, कोई और स्टेट देना होता तब क्या करते, देखिए मैं फिर दिखाता हूं। देखिए ये हो गया, या यहां से उत्तर प्रदेश नहीं देना, कुछ भी और देना है, जैसे मान लीजिए मैं दे देता हूं यहाँ पे ओडिशा, ठीक है, तो ये ओडिशा कर दिया, या यहाँ पर मैं कर देता हूं लाइक जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे देखिए ये जम्मू एंड कश्मीर कर दिया, ये आ गया पार्टी का कौन सा जीएसटी है ये नंबर, इसको छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आ गए और एंटर करेंगे और यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पे लेजर लगा देंगे सेल्स का, तो ये कर देते हैं सेल्स, एंटर करेंगे, ये जाएगा अंडर सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, बस ये तो हो गया काम हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक आइटम हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है,
जो भी हमारे पास स्टॉक आइटम होगा वही सेल कर पाएंगे। तो हमारे पास राइस ही है 50 किलो, तो 40 किलो सेल कर देते हैं, खरीद रेट से ज्यादा का ही सेल करेंगे, 50 रुपए के भाव से इसको बेचेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी अब यहाँ पे नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट का मामला हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आएगा आईजीएसटी। तो आपको आईजीएसटी का एक लेजर यहाँ पे अलग से सेपरेटली क्रिएट करना होगा और इसे डालना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो जाएगा और यहाँ पे जीएसटी ही रखिएगा और यहाँ पे आईजीएसटी आपकी हम रखेंगे और यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। बस आपका जीएसटी कैलकुलेट हो गया। देखिए सेम जीएसटी है लेकिन तरीका अलग अलग है, एक्टिवेट कैसे करना, कैसे कैसे क्या इसमें मॉडिफिकेशन लाना है सब बता दिया। ठीक है, कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कराइए। दोनों का रिसिप्ट दिखा देता हूं कैसा कैसा दिखेगा। ये पहले परचेज वाला अल्ट पी करके एंटर करके और आई बटन प्रेस करेंगे। ये देखिए ये सेल्स वाला है, सॉरी परचेज वाला है, ये देख सकते हैं। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, ये देखिए ये परचेज वाला है, इस पे कितना जीएसटी लगा हुआ है ये भी दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे परसेंटेज वाइज जीएसटी आए तो परसेंटेज वाइज जीएसटी भी देखा जा सकता है। कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको चालू करना होगा एक ऑप्शन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शो जीएसटी रेट इन परसेंटेज। तो बस यहाँ से इसको यस कर दीजिएगा, कंट्रोल ए कर दीजिएगा, आई बटन प्रेस कर दीजिएगा, बस काम हो गया। अब ये परसेंटेज में जीएसटी रेट दिखाएगा। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज में जीएसटी रेट भी आने लगा है। कहाँ पे आ रहा है, ऊपर तो कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए जीएसटी 18% ये दिख रहा है ना यहाँ पे, ये अलग से कॉलम बना। बाकी तो यहाँ नीचे भी जीएसटी रेट दिखता है, उसको एक्टिवेट कर देंगे तो नीचे भी दिखेगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी कि ये किस तरीके से करना है। अब देखिए सेल्स का भी दिखा देता हूँ, परचेस का तो हो गया, सेल्स में कैसे देखेंगे। तो सेल्स के लिए भी डेबुक में जाकर के यहाँ पे सेल्स में जाएंगे, अल्ट पी करेंगे, एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस कर देंगे, ये आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सेल्स का है, तो यहाँ पर भी 18% का ही लगा हुआ है। जितना परचेस करते समय जीएसटी लगेगा उतना ही सेल करते समय भी जीएसटी लगेगा। बाकी यहाँ पे आपका जीएसटी आईएन नंबर भी प्रिंट हुआ है, सारी चीजें हो चुकी। ठीक है, आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।